जिस वेले बिरती टकाई पद और बिंद गहे रत साथ अपने हथा नाल ध्यान विच संगत जी गुरु के चरण पकड़ी बैठा रहा। ध्यान गुरु साहब दे चरणा दा नाल ही ध्यान दे नाल पकड़ ले, मन विच ये संकल्प दृढ़ कर लिया कि गुरु साहब दे चरण पकड़ी बैठा हाँ। भावें सतगुरां दे चरण तो कीरतपुर साहब आप जी का स्वरूप सुभायमान सी, ये काबिल विच सी, लेकिन मन में सत्संग जी नेचा धार लिया। इनू मानसिक पूजा कहिंदे ने। कांशी विच रामानंद होया, कबीर दा गुरु सी, ये नीच जात वालिआं दे मत्थे नहीं सी लगदा। कबीर ने उपदेश लैणा सी, ये सत्संग गंगा दे घाट ते जा के पै गया तड़के ही। जिस वेले इशनान करन गया, जदों पैरां च ठोकर वज्जी नेरा सी, उस वेले कबीर सत्संग पिया सी, जो मारी ठोकर रामानंद ने चरण दी, उस वेले रामानंद ने सोचा कुछ मूहरे लग्या मेरे पैर च। भगतां दे मूहों गाल तां निकलदी नहीं, फिक्का बचन थोड़ो निकलना, कहिंदे राम के राम कहो, राम के राम कहो। बस इन्ना ही उपदेश लैणा सी, लै लिया बहाने नाल। सो ऐसा सत्संग जी जाप जपिया कबीर ने, अंतर जामता प्राप्त हुई। एक दिन दर्शनां नूं गया, परदे च बैठा रामानंद मानसी पूजा करे। इनू मानसी पूजा कहिंदे ने, अपने इष्ट दा बिरती ला के ध्यान धारना। कंठी पाउंदा सी विरागी सी सतसंग जी, विराग विरागियां दी सतसंग जी एक जमात है, भेख है। पहला मुकट भगवान दे बैठा, मन करके इशनान करा रहा है, संकल्प दे नाल ही सतसंग जी वस्त्र पहना रहा है। हुण भगवान दे सतसंग जी कंठी माला हुंदी है, मुकट पा बैठा, पहला माला पाउणी भुल गया। हुण सोचदा मन विच, भगवान दा जे मुकट लाहूंगा तां बेअदबी होऊगी, किवें माला पावां। कबीर साहब बाहर बैठे सी, कहिंदे गुरु जी कुंडी खोल के पा दिओ, कुंडी खोल के पा दिओ। जदे ही पर्दे चकते, कहिंदे ओहो अच्छा ऐसी वस्ता। भाव साहब समझी, मानसी पूजा रामानंद कर रहा सी। सेवक कबीर ने जदे ही उगड़ के दस दिता कि हुण तुसीं कुंडी खोलनी पऊगी, वह लड़ी दी फिर पा दिओ, मुकट लाउण दी लोड़ नहीं है। अंदर दी समझ गया कबीर, जदों सतसंग जी कहा, जदे ही सतसंग जी नठ के अपने सेवक नूं चरनी ला लिया सी रामानंद ने। इसे तरह गुरसिखो सतगुरु जी नूं की भुलिया होया है। गोंदा सतसंग जी महाराज दे सरूप दा ध्यान धारिया होया, रसना करके सिमन करदा है, समाधि दे आनंद विच बैठा, लिव लीन होया, अपनी देह भुल चुकी है कि मेरी देह कित्थे बैठिया, कित्थे खड़ा हाँ। हत्थां नाल जानी महाराज दे चरण पकड़े हुए ने इस दे।